गाइस सुनो सुनो सुनो, मैं और मेरे दोस्त आ चुके हैं माइनिंग करने के लिए। भाई यहाँ पे सामने देखो कितने सारे डायमंड्स हैं और हम लोग इनको माइन करने वाले हैं। भाई बहुत ज्यादा है भाई, मजा आएगा। भाई मेरे को ले दो, भाई मेरे को चाहिए डायमंड। भाई तुम लोग सारे ले लो क्या भाई, मेरे को छोड़ दो प्लीज। अबे मैंने नहीं, ओके पहले तुम माइन कर दिया लेकिन मेरे को छोड़ दे भाई यार। लेकिन ये कौन है ब्रो, ये कौन है सामने व्हाइट कलर का, ये कोई आई थिंक लगता है कोई कीड़ा है क्या बड़ा सा, भाई मुझे नहीं पता वो कौन है। लेकिन वो उसने मेरे दोस्त को मार दिया, इसका मतलब ये एक इंसान है भाई, पता नहीं कौन है यार, भागो इससे कहीं मेरे को ना मार दे। लेकिन मैंने ये मॉन्स्टर गाइस पहले कभी नहीं देखा यार, मैंने सिर्फ आज ही देखा है इसको भाई, मैंने ये कभी नहीं देखा। और ये हमारे पीछे पीछे ऊपर भी आ चुका है, भाई ये करना क्या चाहता है मुझे नहीं पता है। और हमारा घर बिल्कुल पास में ही है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इससे थोड़ा दूर भाग जाऊँ ताकि ये मेरे को देख ना पाए। सो मेरा दोस्त वहाँ से कुछ लेके आ रहा है, पता नहीं क्या लेके आ रहा है। भाई तू क्या लेके आया है मेरे को दिखा तो सही। ओ इस भाई यहाँ पर तो हमारा एक न्यू मिनियन स्पॉन हो चुका है और आई थिंक ये इससे फाइट करने वाला है क्या। हेलो भाई तू कुछ करेगा क्या यहाँ पे, भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। भाई गाइस हम लोग पहले यहाँ से भाग लेते हैं इससे पहले कि इसको गुस्सा आ जाए, चलो भागते हैं भाई। लेकिन ये कौन है, ओ सायरन हेड ऊपर से आ रहा है गाइस, सामने से आ रहा है सायरन हेड। लेकिन ये कैसे हो सकता है भाई, एक बार में दो मॉन्स्टर्स कैसे आ सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर यार। भाई मैं तो बहुत ही गंदा वाला फंस गया हूँ, मैं क्या करूँगा भाई, कुछ करना पड़ेगा मेरे को, मैं क्या करूँगा गाइस, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं अभी फिलहाल घर के अंदर आ चुका हूँ एंड रुको, ओके तो गाइस हम लोग सायरन हेड को मारने के लिए एक सॉर्ड का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जो उसकी सॉर्ड हमको पता नहीं कहाँ से मिलेगी, पता नहीं है, बट सॉर्ड तो हमको चाहिए। अगर हमको सायरन हेड को मारना है तो हमको सॉर्ड को लेना पड़ेगा, लेकिन वो सॉर्ड कहाँ मिलेगी मुझे नहीं पता है। सो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं गाइस। ओ सायरन हेड हमारे पीछे आ रहा है गाइस, ये देखो बिल्कुल पास में आ चुका है। अरे नहीं भाई रुको रुको रुको, बिल्कुल ही पास में है वो भाई, कुछ करो यार कुछ करो, बिल्कुल ही पास में है वो भाई, ओ माय गॉड। ओ भाई लेकिन ओके लगता है सायरन हेड की और उस बंदे की फाइट हो रही है क्या। नहीं यार सायरन हेड ने तो उसे छुआ भी नहीं। ओ भाई वो सायरन हेड के पीछे पड़ गया, वाओ अब शायद इन लोगों की फाइट होने वाली है भाई। लेकिन गाइस ये बताओ इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लगता है वो छोटा वाला हार जाएगा क्योंकि वो छोटा है। भाई ये तो कुछ कह नहीं सकते, फाइट तो हो रही है गाइस और मुझे, ओ भाई सायरन हेड ने उसको अपने हाथों में उठा लिया। भाई मेरे को लगा ही था कि सायरन हेड उसको मार देगा क्योंकि सायरन हेड वेरी पावरफुल है यार। भागो यहाँ से गाइस, यार ये पूरा यार मतलब जो हमारा मिशन है पूरा उल्टा हो चुका है। भाई सायरन हेड ने हमारी पूरी जिंदगी खराब कर दी आज यार, हमें सामने इस पोर्टल के अंदर भागना पड़ेगा अपनी जान को बचाने के लिए। चलो भागते हैं गाइस जल्दी फटाफट से, ओके चलो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें गाइस पता नहीं अब क्या करना है क्योंकि हमारे पीछे वो सायरन हेड लगा हुआ है और पता नहीं वो कभी भी यहाँ पे आ सकता है हमको मारने के लिए। सो हमको बचने के लिए यहाँ पे कुछ अपना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ स्कैरी मिनियंस आ रहे हैं भाई, मतलब हमारे दोस्त जो हैं वो अच्छे मिनियंस हैं और हमारे पीछे पड़े हुए हैं कुछ स्कैरी मिनियंस, पता नहीं वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं एक केव के अंदर से। लिटरली उनसे बचना पड़ेगा हमको, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से भाग पाएंगे। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, आई थिंक वो ओके वो तो आ रहे हैं बट क्या करें हम लोग, बंद करो गेट को यहाँ को भाई, ये बंद करो रास्ता ताकि ये लोग हमारे पास ना आने पाएं। भाई क्या हम लोग इनसे बच पाएंगे, लेकिन ये तो लावा के अंदर गिर जा रहे हैं। ओ लेकिन वेट गाइस हमारे दोस्त वहाँ फंस गए, नहीं ओके गाइस यार पता नहीं ये नौटंकी क्या हो रही है मुझे नहीं पता है। भाई भाई ये लोग पीछे पड़ गए, ओके एक बचा हुआ है लास्ट, इसको लावा के अंदर गिराओ फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओके यहाँ पे एक लास्ट मिनियन बचा है, इसको लावा के अंदर गिराते हैं। ये भाई क्या ये चालाकी से इसको लावा के अंदर हम लोगों ने गिरा दिया है, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। वैसे हमको इंतजार करना पड़ेगा सायरन हेड का कि वो कब हमारे पास आएगा, लेकिन यहाँ पे एक पोर्टल है, चलो निकलते हैं। ओके तो हम लोग अपने न्यू वर्ल्ड में आ चुके हैं, मतलब उसी वर्ल्ड में आ चुके हैं एक बार फिर से। और भाई यहाँ पे आने के बाद शायद मेरे को लगता है कि यहाँ पे सायरन हेड अब नहीं आने वाला है क्योंकि
वो अब तक कभी उसने सोचा होगा कि हम लोग कहीं भाग गए बट हम तो दोबारा यहीं पे आ चुके हैं, तो वो चला गया होगा अपने किसी सीक्रेट घर के अंदर। तो ओ, लेकिन वो तो बाहर ही खड़ा हुआ है गाइस। गाइस सायरन हेड तो हमारे बाहर ही खड़ा हुआ है भाई, अब हम लोग क्या करेंगे? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गाइस। वो देखो पीछे हमारे आ चुका है भाई, अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। भाई लगता है हम लोग आज फिर से हम लोग शामत आने वाली है भाई। गाइस देखो वो हमारे पीछे आ रहा है यार, क्या करूं मैं? गेट को बंद करता हूं, ओके, ताकि वो हमारे पास ना पाए भाई। लिटरली वो बहुत ही स्केयरी है गाइस, मैं करूं तो क्या करूं, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूं ना अकेले भाई। ये देखो हमारे सामने ही खड़ा हुआ है गाइस, ये देखो भाई। ओ नो 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 भाई, भाई हमारे पास मत आ। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मैजिशियन दोस्त है वो उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है सायरन हेड के ऊपर, और मेरे दोस्त ने सायरन हेड को बहुत ही छोटा कर दिया, वाओ। और अब ये हमको नहीं मारेगा यार। लेकिन वहां पे वो वाला बंदा आ चुका है जो कि व्हाइट कलर का है, और अब छोटे सायरन हेड की उस बंदे से फाइट हो रही है, और उसने छोटे सायरन हेड को मार दिया है। ओ यार, मतलब जब वो सायरन हेड बड़ा था तब ये उसको मार नहीं पाया था, और छोटे होने के बाद ये उसने सायरन हेड को मार दिया। भाई यार पता नहीं कौन सा लॉजिक है, लेकिन अब गाइस हम लोग टेंशन फ्री हैं। जो क्या भाई, ये क्या कर दिया इसने? अब ये पागल हो गया क्या? मतलब अभी तक सायरन हेड से फाइट कर रहे थे हम लोग, और अब ये पागल हो चुका है भाई। ये मेरे सारे दोस्तों को मार रहा है भाई, भाई छोड़ दे भाई, भाई पता नहीं मेरे सारे दोस्तों क्यों मार रहा है भाई, मत मार भाई, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। ओके ये ऊपर से चिकन आ रही है, चिकन इसको उठा के ले जा, चिकन इसको उठा के लेके जा रही है। वाओ गाइस ये देखो चिकन इसको उठा के पता नहीं बहुत दूर लेके जा रही है, ओ जिससे कि हम लोग बच जाएंगे। ओके भाई मेरे को तो बहुत ही सुकून मिल रहा है, लेकिन यार उस बंदे ने मेरे दो दोस्तों को मार दिया, और यहाँ पुलिस आ रही है। कहीं पुलिस को ये ना लगे कि मैंने किसी को नहीं मारा है, पुलिस मेरी बात का यकीन करो भाई, मैंने किसी को नहीं मारा है, ये उस मॉन्स्टर ने मारे हैं भाई। पुलिस को लग रहा है कि मैंने मारा है बट मैंने कुछ नहीं किया है, पुलिस नहीं। अरे मेरे को छोड़ दे यार, भाई यार मैंने मना किया कि मैंने नहीं मारा, बट कैसे पुलिस को ये लग रहा है कि मैंने ही अपने दोस्तों को मारा है, तो मेरे को जेल में बंद कर दिया गया है, तो मेरे को अब बाहर निकालो यार कोई, मैंने कुछ नहीं किया है भाई मेरे को। ओके गेट खुला है, सो बिल्कुल आराम से बाहर चलते हैं, आराम आराम से बिल्कुल। लिटरली ये क्या है यार, पुलिस वाले मरे हुए क्यों पड़े हैं भाई? इन पुलिस वाले को किसने मार दिया? मतलब ये इस पुलिस स्टेशन में कोई है ही नहीं इस टाइम। चलो चेक करते हैं नीचे क्या है हम लोग को बाहर। ओ यहाँ भी काफ़ी सारे इंस्पेक्टर्स मरे हुए पड़े हैं भाई यार, कॉन्स्टेबल वगैरह सब मरे हुए पड़े हैं। चलो ओके बाहर कौन है? बाहर तो मोमो गर्ल है, बाहर मतलब गाइस मोमो गर्ल ने सारे पुलिस वालों को मार दिया है, और आई थिंक इसने अगर हमें देख लिया तो हमें मार देगी। रुको 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 रुको, बंद कर दो उसको। ओके गेट बंद करो, ओके गेट बंद हमने कर दिया है, और अब ये अंदर नहीं आ पाएगी। लिटरली गाइस अगर हम लोग बाहर गए तो ये हमको जान से मार देगी, सो हम लोग अंदर भी तो नहीं रह सकते ना ज़्यादा देर तक। सो हमें ओके मेरे पास एक मशीन गन है, मिनी गन, इससे मैं उस मोमो गर्ल को मारने की कोशिश करता हूँ, शायद कुछ ना कुछ हो जाए, तो देखते हैं, वरना तो फिर फाइट करनी पड़ेगी हमको। आजा मिनियन फटाफट नीचे आजा मिनियन, आजा भाई अब इसको मारते हैं मोमोगल को। चलो वार करते हैं इसके ऊपर, ये ले मोमोगल, ये ले एक और शॉट एंड इसको मैं आज मार कर रहूंगा। देखो ये मुझसे कितना दूर भाग रही है, लेकिन ये भाग ही नहीं पाएगी भाई, इससे पहले मैं इसको मार दूंगा वो भी जान से, मैं इसको भागने ही नहीं दूंगा। ओके हमारा टाइम, इसको गेट को बंद करो। अबे बाहर है मिनियन, अंदर है मिनियन, बाहर है अबे मिनियन। ओ शिट मोमोगल ने मेरे दोस्त इसको भी मार दिया यार, अबे यार ये क्या हो गया यार। रुको मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से गाइस, चलो निकलते हैं भाई। ये अरे बोट है, मेरे को बोट से निकलना पड़ेगा, बट बोट का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। वेट वेट वेट, मेरे को यहाँ पे छोटी यहाँ पे बोट से निकलना पड़ेगा, इस शिप का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई। अपनी जान को बचाने के लिए मैं भाई बहुत ही पागल हो चुका हूँ गाइस, मतलब मैं इतना भाग रहा हूँ कि मेरे को कुछ पता ही नहीं मैं कहाँ भाग रहा हूँ। सो मैं दोबारा अपने उसी वर्ल्ड में आ चुका हूँ, और भाई यहाँ पे मैं अपने जा रहा हूँ अपने मिनियन दोस्तों के घर पे। गेट खोलो यार, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, गेट खोलो भाई। तुम लोग गेट को नहीं खोलते हो मेरे लिए, जल्दी खोल दिया करो ना। चलो चलते हैं। ओबे ये मोमोगल यहाँ पे कैसे आ गई? इसका मतलब मोमोगल ने मेरा पीछा किया, लेकिन मोमोगल तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे परेशान क्यों कर रही हो तुम? गाइस पता नहीं ये मोमोगल को कौन सी दिक्कत है यार,
वैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरा फाइट करने का ओह मूड नहीं है भाई। फिर भी ये मोमोगल मेरे दोस्तों को मार रही है। मोमोगल मेरे दोस्तों को छोड़ दे प्लीज मोमोगल। अरे मोमोगल छोड़ दे, अब तू मेरे को मार दे क्या? मेरे को मत मार प्लीज प्लीज नो। ओह माय गॉड मैं गया गाइस। हाँ भाई गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? ये क्या भाई, यहाँ पे खून क्यों लगा? यहाँ पे ये क्या हो गया यार? भाई ये खून यहाँ पे कैसे आया? भाई ये क्या हो रहा है? मेरी अभी तक नींद नहीं खुली बट मेरे को ओ विलेजर भाई यहाँ तेरे को किसने मार दिया? लिटरली बाहर क्या हो रहा है भाई? ये क्या मेरी शिप के ऊपर ये लोग कहाँ मरे हुए पड़े हैं गाइस? अबे यार ये क्या हो रहा है गाइस, मुझे कुछ भी नहीं पता यार। यार ये विलेजर कहाँ से मरे हुए पड़े हैं इतने सारे, और आखिर इनको मारा किसने? भाई मैंने तो किसी को नहीं मारा लिटरली। और ये वर्ल्ड मतलब रात हो रही है, रात के 3 बज रहे हैं भाई, ये कहीं कोई खतरा तो नहीं है भाई यहाँ पे? भाई यहाँ लगता कोई आने वाला है यार, मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई। ये और ये पूरा घर तोड़ दिया, यहाँ पे बहुत सारा खून क्यों पड़ा है यार? भाई पूरे वर्ल्ड को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन किसने करा होगा भाई डिस्ट्रॉय? पता नहीं यहाँ पे किसने इस वर्ल्ड को। ये क्या गाइस, ओ माय गॉड ये इतनी बड़ी कैट, मतलब गाइस इस कैट ने ही इन सारे इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है और सारे विलेजर्स को मारा है। मतलब भाई इस कैट से लगता है ये कैट भाई मतलब मुझको मारने के लिए भी आई है, लेकिन मैं इसको मार दूंगा, ये मुझको नहीं मार पाएगी। और लिटरली गाइस इसने पूरे वर्ल्ड में मतलब हमारे सारे के सारे घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप लोग देख ही सकते हो कि सारे घर टूटे फूटे पड़े हुए हैं, और मैं तो अपने शिप पे रहता हूँ भाई, मैं तो एक कैप्टन हूँ, बट ये मैंने मेरे को ये वर्ल्ड में दिख चुकी है क्योंकि मैं इस समुद्र से यहाँ पे गुजर रहा था और मेरे को ये आइलैंड मिला जहाँ पे ये विलेज था, तो यहाँ पे मेरे को कैट मिल चुकी है। बंद करते हैं गेट को। सुबह आई गाइस, अब क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ तो एक गड्ढा है भाई, आई थिंक मेरी जान ये गड्ढा ही बचाएगा, लेकिन ये शायद यहाँ पे नहीं आ पाएगी। ओ ये तो यहाँ पर भी आ रही है कैट मेरे पास। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ करना पड़ेगा मेरे को। मुझे अपनी जान को बचाने के लिए शायद उसी गड्ढे के अंदर कूदना पड़ेगा। तो चलो इसके अंदर कूदता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या होता है भाई। चलो गाइस मैं कहाँ हूँ यार? ओ शिट, अबे ये तो केव है। लिटरली मैं भी एक केव के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे को कोई रास्ता नहीं पता है, मेरे को कुछ नहीं पता मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। देखो मैं एक सिर्फ और सिर्फ ये क्या, हेलो ब्रो तू कौन है? ओ ये तो एक माइनर है जो कि यहाँ पे डायमंड्स की माइनिंग कर रहा है। गाइस देखो मैं आपको बता दूँ कि मैं तो एक शिप का कैप्टन हूँ, और मैं माइनक्राफ्ट के बारे में बिल्कुल जानता नहीं हूँ, मतलब मैं इस जगह पे बिल्कुल नया नया आया हूँ, और ये एक आइलैंड था तो यहाँ पे मैं आके फंस गया हूँ उस कैट की वजह से। वरना मैं तो भाई वहीं पे अपने शिप से दोबारा कहीं निकल लेता, मेरे को पता ही नहीं था इस बारे में कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। सो कोई बात नहीं, अब जब फंस चुके हैं तो यहाँ से निकलना तो पड़ेगा अकेले ही। ओ भाई नो 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 गाइस, मेरे सामने एक मोमोगर्ल है भाई, मोमोगर्ल। ओ माय गॉड मोमोगर्ल क्या कर रही है भाई? ओ इसने मेरे को देख लिया, भागो यहाँ से, इसने मेरे को देख लिया गाइस, भागो जल्दी से। ओ माय गॉड यार लिटरली एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। सो गाइस काफ़ी देर के बाद मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। ओके सो अब मैं भाई इस केव से बाहर निकल चुका हूँ बहुत ही मुश्किल के बाद। सो मैं दोबारा एक वर्ल्ड में आ चुका हूँ, और आई थिंक ये वही वर्ल्ड है या फिर दूसरा वर्ल्ड है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वर्ल्ड में भी रात हो रही है। वहाँ पे कोई तो है गाइस, यहाँ पे कोई तो है। ये कौन है? ओ डाकू लोग हैं ये गाइस, ये डाकू लोग हैं। देखो डाकू लोग, मुझे कुछ मत करो प्लीज, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना मैं चोर हूँ। देखो भाई मेरे को मत मारो। ओके गाइस डाकू लोग मेरे को नहीं मार रहे हैं, ये सिर्फ चोरी करने के लिए आए हैं, और मेरे पास तो चोरी का कोई सामान है भी नहीं। लेकिन वहाँ पे कोई तो है भाई डाकू लोगों, तुम्हें कोई बुला रहा है वहाँ पे, देख के आओ कौन है। गाइस मैंने इन्हें उल्लू बना दिया, वहाँ पे तो मोमो गर्ल और इन्हें खा जाएगी भाई। ओके तो ये लोग जा रहे हैं, जाओ बेटा जाओ उसमें बहुत सारा सोना, जाओ इस पता है इस केव के अंदर बहुत सारा सोना है। देखो वो आ गई भाई, गाइस देखो वो आ चुकी है, और अब ये मोमो गर्ल इन सब डाकू खा जाएगी लिटरली। ओ वो उसने उसको सच में उठा लिया भाई, कहाँ लेके जा रही? रुक जा मोमो गर्ल रुक जा। अबे नहीं उसको मत खा यार मत खा। ओ भाई यार गाइस देखो वो उसको लेके जा रही है पता नहीं कहाँ पे भाई। ये मोमो गर्ल ना बहुत ही खतरनाक है यार, कहाँ चली गई यार गाइस? वो देखो लेके चलेगी बहुत दूर, और अब उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
सुडाकू मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एंड यहाँ पे गाइस जो एलेक्स वो अपने घर में आराम से सो रही है, उसे कोई मतलब पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। वो अपने आराम से ऐश कर रही है, बट मैंने उसको कॉन्टैक्ट कर दिया है अब, और अब वो हमारे पास बहुत ही जल्द आएगी। सो अभी वो अपने घर में मेरे को देख रही है, बट मैं तो वहाँ पे हुई नहीं। सो अब वो नूप को बुलाने जाएगी, क्योंकि मैंने उसे बोल दिया कि तू नूप को और खुद मेरे पास भागती हुई आ। तो ये नूप को बुलाने के लिए अब जा रही है नूप के घर पे, यहाँ पे बगल में नूप का घर है। एंड नूप को लेके ये फटाफट मेरे पास आने वाली है ताकि मेरी हेल्प कर सके भाई, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। एंड यही लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं और कोई भी नहीं। सो ये इन लोग को पता लग चुका है और अभी लोग जा रहे हैं मेरे पास आने के लिए। सो फटाफट आओ दोस्तों, मैं बहुत ही बुरी मुसीबत में हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखो, मैं इस डाकू के साथ बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, एंड लिटरली काफी अच्छा मौसम हो रहा है। ओ तुम लोग आ चुके हो भाई। अरे यार मैं बहुत ही परेशान था कि तुम लोग आओगे या फिर नहीं आओगे, तुम लोग फाइनली आ चुके हो और तुम्हें यहाँ का रास्ता कैसे मिला। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई चलते हैं यहाँ से। वेट, ये क्या हो गया एकदम से भाई, ये मौसम काला काला क्यों हो गया, कहीं कुछ होने वाला है क्या। गाइस मौसम काला तभी होता जब कोई यहाँ पे वर्ल्ड में आने वाला होता है, पता नहीं अब कौन आने वाला है, कहीं वो कैट तो नहीं आने वाली भाई। ओ हाँ गाइस देखो ये कैट आ चुकी है, और ये इतनी बड़ी कैट है कि इसको देख के मेरे को बहुत डर लगता है। ओ भाई ये इतनी बड़ी कैट दोबारा मेरे पीछे क्यों आ रही है, भागो यहाँ से जल्दी से। ओ भाई गॉड मैं क्या करूंगा, डाकू भाग। ओ माय गॉड गाइस जो एक डाकू बचा हुआ था ना उसको उस कैट ने मार दिया है। ओ भाई भाई गाइस ये बहुत तेजी में आ रही है, भागो ये बहुत तेज आ रही है भाई कैट। ओ माय गॉड कुछ करो दोस्तों कुछ करो भाई मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ओके मेरे को भी आने दो अंदर। ओ भाई वो आ चुकी है। ओके तो हम लोग गाइस अभी जंगलों में आ चुके हैं और जंगल हमारी जान को बचा लेंगे, पेड़ पौधे क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े हैं। एंड ये एक हमारे दोस्त का हाउस है, चलो उससे हेल्प मांगने के लिए उसके घर पे चलते हैं। ओके ब्रो अभी उठ जा भाई, सो रहा है तू, इसको जगाओ एलेक्स फटाफट से, इससे हेल्प मांगते हैं हम लोग। अब यही हमारी कुछ हेल्प कर सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा, उठो भाई। ओके मैजिशियन बात सुनो, हम बहुत ही बड़े मुसीबत में हैं, हमारी हेल्प कर दो प्लीज़, हमारे पीछे कैट पड़ी हुई है, तो क्या तुम उसको मार सकते हो। गाइज ये बोल रहा है हाँ मैं मार दूंगा, तो देखते हैं ये कितनी देर मारता है। मेरे भाई मेरी हेल्प कर दे भाई इसको। ओके वैसे यहाँ पे भी है नहीं वो कैट, और यहाँ पे एक पोर्टल बनाया है मेरे दोस्त ने, और आई थिंक ये इसमें कोई जादू कर रहा है, पता नहीं इसमें कौन सा जादू कर रहा है मुझे नहीं पता, आई थिंक कुछ तो होने वाला है इसके जादू करने के बाद। लिटरली क्या होने वाला है भाई, कुछ बताओ तो सही, कुछ करे पड़े हो यज्ञ भाई, क्या कर रहे हो तुम, ये हवन कुंड कर रहे हो क्या, पता नहीं भाई जो भी कर रहा है ठीक कर रहा होगा। भाई इससे हमको मिल चुकी है बेडरॉक सॉर्ड, वाओ हम तीनों को, और इस बेडरॉक सॉर्ड से हम उस कैट को एकदम इजीली मार सकते हैं, ऐसा बोला है इस मेरे दोस्त ने। तो चलो चलते हैं सामने पोर्टल में, और आई थिंक वहीं पे आने वाली है वो बड़ी सी कैट, उसको हम लोग इससे बहुत मारेंगे। तो चलो फटाफट, थैंक्स ब्रो, थैंक्स बहुत बहुत तेरा धन्यवाद, हम तेरे से बाद में मिलते हैं ठीक है, बाय बाय, जा अपने घर पे। ओके सो चलो मारने के लिए चलते हैं कैट को। ओके तो हम लोग आ चुके हैं उसी वर्ल्ड के अंदर। कैट तू जहाँ भी है मेरे पास आ, और मेरे पास तेरे लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है भाई, तेरी मौत का इंतजार कर रहा हूँ मैं। कैट फटाफट मेरे पास में आ, तू जहाँ भी है मेरे पास आ। तो चलो इसके ऊपर टावर के ऊपर देखते हैं टावर के ऊपर कौन है, वैसे कोई ना कोई पक्का होगा। चलो चलो भाई, ओ यहाँ तो काफी सारा खून पड़ा है, और ये क्या मौसम दोबारा काला हो चुका है, इसका मतलब ये है कि वो कैट यहाँ पे आने वाली है कुछ ही देर के अंदर, लेकिन वो कब आएगी ये नहीं पता, लिटरली वो आने ही वाली होगी कुछ ही देर के। ये देखो भाई वो निकला ही नीचे से, ओ माय गॉड। ओ भाई भाग यहाँ से एलेक्स, रुको रुको हम उसको मारेंगे, लेकिन एक टाइम पे मारेंगे जो एकदम करेक्ट टाइम होगा उस टाइम पे मारेंगे हम लोग, अभी नहीं मार सकते इसको क्योंकि इसको मारना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ी बड़ी सी है, तो इसको मारे तो मारे कहाँ पे, इसके पैर पे मारे क्या गाइस, इसको हम लोग मारे कहाँ पे, हाथ में पैर में पेट में सर में कहाँ मारे भाई, ये इतनी बड़ी है कि हम लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे इसके शरीर तक ब्रो। सो हम लोग इसकी बॉडी को कैसे यहाँ पे हार्म करें ब्रो, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये हमारी तरफ आ रही है, कुछ करो एलेक्स भागो यहाँ से, ये हमारी तरफ आ रही है, लेकिन अब टाइम भी हो चुका है इसको मारने का। सो इसको मारना तो पड़ेगा भाई, नूब जा तू मार क्या इसको भाई, हाँ नूब मार दे इसको, नूब नूब तू कर सकता है, नूब यू कैन डू इट ब्रो। ओ शिट भाई नूब को मार दिया उसने हम, लेकिन ये शॉट काम क्यों नहीं करी, आई थिंक नूब ने शॉट मार ही नहीं पाई यार, लगता है मेरे को ऐसा ही हुआ है। अब बारी एलेक्स की, एलेक्स कुछ कर दे, एलेक्स ओ शिट एलेक्स को मार दिया उसने, गाइस हमारी बारी है क्या,
क्योंकि मैं इसको मार पाऊंगा भाई। मुझे नहीं पता मैं इसको मार पाऊंगा और नहीं नहीं गाइस मैं भी नहीं मार पाया इसको।